घर बना रहे हो और सोच रहे हो कि इस घर में हम इलेक्ट्रिक का काम कैसे करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। घर में इलेक्ट्रिक के पॉइंट कहाँ देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस घर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक के पॉइंट कहाँ दोगे, जिससे आपको घर में कभी भी इंटीरियर में समस्या नहीं आएगी, साथ ही साथ आपको घर में कभी भी असुविधा नहीं लगेगी। चलिए अंदर देख लेते हैं। ये घर है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक प्लानिंग ये है यहाँ पर हॉल, और इससे सामने जो देखे हमने वो है पार्किंग का स्पेस। यहां पर अगर आप चलोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक बेडरूम। इस बेडरूम के साथ यहां पर है एक टॉयलेट जो कि जनरल टॉयलेट है, यानी कॉमन टॉयलेट। ये है यहां पर दूसरा बेडरूम जो है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है एक मास्टर बेडरूम, इसके साथ यहां पर अटैच टॉयलेट हो जाती है। यहां पर देखते हैं ये है हमारा किचन। किचन के साथ यहां आपको मिल जाएगा एक स्टोर, स्टोर के साथ पूजा रूम। ये पूजा प्लस स्टोर एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, जो यहां पर हमने सेट किए हैं। चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रिक कैसे होगा इसमें डिटेल में समझाता हूं। हम है अभी पोर्च या पार्किंग वाले हिस्से में। यहां पर सबसे पहले जैसे घर से आपकी एंट्री होती है तो ये स्पेस आपको 1 फिट नीचे रखना होता है, जिसमें पहला बोर्ड आपका यहाँ पर 12 मॉड्यूल का आ जाएगा, जिसमें यहाँ के सारे कनेक्शंस होंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। यहाँ एक स्विच बोर्ड होता है, इसकी हाइट इस लेवल से अगर हम देखेंगे, फ्लोर फिनिश लेवल यानी टाइल्स लेवल से यहाँ पर आपका 54 इंच होना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है। इसे अकॉर्डिंग टू डिजाइन कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो आपके इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, इस पे एक इसके पीछे तरफ भी 12 मॉड्यूल का 54 इंच पर एक और बोर्ड दिया गया है। यहां से हम आगे बढ़े तो एक यहां इंटीरियर पोर्शन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, ये है 8 मॉड्यूल का, जिससे कुछ सीलिंग्स के लाइट कंप्लीट हम इससे कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ अगर हमें इंटीरियर पर यहाँ वर्क करना है जिससे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक यहाँ दिया गया है। यहां से चलते हैं हम तो ये हमारे पास एक टीवी यूनिट का पॉइंट दिया गया है। अगर टीवी यूनिट के पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये हाइट अभी 30 इंच लिए हैं, लेकिन यहां पर जब इंटीरियर के लिए टीवी पैनल बनेगा तो उसमें हम इसके पॉइंट 18 इंच से लेकर अपने अकॉर्डिंग यहां से वायरिंग ले सकते हैं। अब यहां से एक और दिया गया है, ये है बेडरूम में जा रहे हैं तो कुछ यहां से कनेक्शन बेडरूम में ले लेंगे। इसके लिए इसे हमने 54 इंच की हाइट पर लिए हैं, जो कि ये 12 मॉड्यूल का है। आगे बढ़ते हैं हम तो जैसे हम यहाँ से बेडरूम में आते हैं तो इस बेडरूम में देखेंगे कि पहली चीज तो बेड के पीछे तरफ यहाँ आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। इसमें टू वे कनेक्शन जो करेंगे टीवी के साथ, साथ ही साथ सामने से कुछ टू वे कनेक्शन करेंगे। अब वो टू वे कनेक्शन जो है वो एक ये और एक दो, दो में से एक में टू वे कनेक्शन करेंगे, जिससे यहाँ पर बेड लग जाएगा आपका और सामने हो जाएगी हमारी टीवी यूनिट। सामने टीवी यूनिट की बात करें तो ये है हमारा टीवी यूनिट के लिए दिया गया बोर्ड, जैसे कि मैंने सामने समझाया सेम वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम कि किचन में क्या है। यहां से आते हैं हम किचन में, ये हॉल पर ये डाइनिंग का एरिया है। डाइनिंग के एरिया में एक और बोर्ड दिया गया है, जो कि आपका यहां पर वॉश एरिया के लिए भी साइड में यूटिलिटी। यहां से जैसे आते हैं हम, आपका किचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से बनेगा हमारा किचन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर एक आपका ये बोर्ड होता है, ऊपर आपको एक्वा का मिल जाता है पॉइंट, एक्वा के साथ एक यहाँ पर मिक्सी माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट, जब यहाँ पर मॉड्यूलर होगा उसके अकॉर्डिंग दिए हैं। यहाँ पर आपको एक चिमनी का पॉइंट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर इस तरफ रेफ्रिजरेटर के लिए यानी फ्रिज के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। ये आपका स्टोर, जिसके कनेक्शन भी स्टोर के यहाँ से होंगे, और एक ये पॉइंट जहां पर हमें कुछ अगर मंदिर के लिए लाइटिंग्स वगैरह करना है तो यहां से हम इसका कनेक्शन ले लेंगे। ये डिटेल थी लगभग एक रूम में किस तरीके से आपको वायरिंग करना है। ये सारी डिटेल के लिए आप इसी तरह और अन्य वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू, शुक्रिया।